हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। सारा जी मैम, आपकी शहाब से आज कोई बात हुई? नहीं मैम, आज तो मेरी इनसे कोई बात नहीं हुई। अच्छा, हैव अ सीट। थैंक यू। शहाब का नंबर बंद क्यों जा रहा है? सलीम साहब, क्या हाल है आपके? एक्चुअली वो मुझे शहाब से बात करनी है, जरा बात करवा देंगे? वहां नहीं आए तो कहां गए, आपको कोई आइडिया है? चलिए, इट्स ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। कहां थे सुबह से? मैं साइट पे गया हुआ था। साइट पे? मगर मैंने तो सलीम को फोन किया था और उसने बताया कि तुम वहां नहीं थे। तो तुम क्या कहना चाह रही? मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं गया कहीं और था, तुम्हें बता कहीं और कर रहा हूँ। तुम जासूसी कर रही हो मेरी? ऐसा हरगिज नहीं है शाह। तुम्हारा फोन बंद था तो मुझे लगा कि तुम साइट पे गए होगे, और वैसे भी सलीम साहब ने जो मुझसे कहा वो मैंने तुम्हें कह दिया। तुम्हारी जासूसी करनी होती तो तुम्हें ये नहीं बताती। क्या कहने लगा? ऐसे कैसे हिना की शादी किसी के साथ भी हो सकती है? मेरा ख्याल है कि तुम्हें हर बात शाहब से डिस्कस नहीं करनी चाहिए। क्यों? शाहब कोई गैर थोड़ी है, अब तो वो भी इस घर का फर्द है। फिर भी जरूरी है क्या कि तुम उसे घर की हर बात बताओ? हर बात या तुम्हारी शादी वाली बात? क्या निदा? अच्छा, चेहरा क्यों उतरा है? तबीयत तो ठीक है ना? कुछ नहीं अम्मा, भी बस थोड़ा सा थक गई हूँ। चलो तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। रेस्ट भी कर लूंगी अम्मा, भी आप बताएं क्या जरूरी बात करनी थी? बेटा, वो तुम्हारी मामा के दूर के रिश्तेदार हैं, जो उस दिन निदा की मंगनी पर भी आए थे, उनके घर से तुम्हारे लिए प्रपोजल आया है। मैंने और शावेज ने यही बेहतर समझा है कि पहले तुम्हारी राय जान ली जाए। अम्मा भी, क्या आप और डैडी मुझे भी इस घर से जल्दी निकालना चाहते हैं? और ये कौन लोग हैं जिन्हें सारी दुनिया में मैं ही नजर आई? कैसी बातें कर रही हो बेटा, कोई अपनी बेटियों को भी घर से निकालता है? और फिर मेरी बेटी तो है ही इतनी प्यारी, रिश्ते तो आएंगे, और हर माँ बाप को एक ना एक दिन बेटियों की शादी तो करनी होती है। जिस घर में बेटियां होती हैं रिश्ते तो आएंगे, और बेटा यही दुनिया का दस्तूर है। अम्मा भी, दुनिया का दस्तूर होगा, लेकिन अगर आपको मेरी राय जाननी है तो मुझे अभी शादी नहीं करनी। अरे बेटा, शादी का कौन कह रहा है अभी? देखे भाले लोग हैं, लड़का भी अच्छा है, बात करने में क्या हर्ज है? और अभी निदा की भी तो मंगनी की है इस तरह। प्लीज अम्मा भी, मैं अभी इन मसाइल में नहीं उलझना चाहती। आप उन लोगों को साफ इनकार कर दें प्लीज। अरे भाई, क्या बोल रही है लड़की, सो तपस्या करने वाली क्या बात है, मेरी तो समझ से बाहर है। शाहब, कहाँ थे तुम सुबह से? मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की, तुम्हारा फोन भी बंद था। ओ, ये तो वाकई बंद पड़ा है। इन फोन्स का भी ना कोई भरोसा नहीं है, कभी भी हैंग हो जाते हैं, कभी बंद हो जाते हैं। खैर, कहाँ थे सुबह से?
मैं साइट पे गया हुआ था। साइट पे? मगर मैंने तो सलीम को फोन किया था और उसने बताया कि तुम वहां नहीं थे। तो तुम क्या कहना चाह रही? मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं गया कहीं और था, तुम्हें बता कहीं और कर रहा हूँ। तुम जासूसी कर रही हो मेरी? ऐसा हरगिज नहीं है शाह। तुम्हारा फोन बंद था तो मुझे लगा कि तुम साइट पे गए होगे। और वैसे भी सलीम साहब ने जो मुझसे कहा वो मैंने तुम्हें कह दिया। तुम्हारी जासूसी करनी होती तो तुम्हें ये नहीं पता। I'm sorry यार, लेकिन मैं साइट पे ही गया था। सलीम साहब किसी और काम से गए हुए थे, मैं मजदूरों से मिलके आ गया। It's okay. वैसे I'm sorry. मैं पता नहीं क्या समझ के बैठ गई। नहीं, it's okay. क्या मतलब? निदा ऑफिस में है और तुम दोनों यहाँ? एक्चुअली मैं यहाँ शॉपिंग करने के लिए आई थी। शहाब मुझे बाहर मिल गए, इन्होंने कहा कि कॉफी पीते हैं तो हम अंदर आ गए। आपने बुलाया मामा? हाँ मैंने तुम्हें बुलाया था, कुछ बात करनी है। आप बैठो यहाँ पर। आमिर, तुम्हारी निदा से कितनी अच्छी दोस्ती है। वो मेरा मतलब है दोस्ती थी। मामा पहले तो बहुत अच्छी दोस्ती थी, पता नहीं क्यों आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही दूर हो गई। तुम दोनों के दरमियान इख्तलाफात की कोई खास वजह थी? तुमने कभी जानने की कोशिश की? जानने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन क्या वजह है ये मैं भी नहीं जान पाया, ना ही उसने कभी बताया मुझे। उसने कभी तुमसे जिक्र किया कि वो किसी और को पसंद करती है? क्या तुम्हारे सामने कभी शाहब का नाम लिया उसने? लेकिन मामा ये सब आप क्यों पूछ रही हैं? कोई वजह है इसीलिए पूछ रही हूँ। लेकिन मैंने तुम्हें जैसा कहा है ना वैसा ही तुम करते रहो। मैं इस तमाम मामले को हैंडल करने की कोशिश करती हूँ। तो फिर हम कब जा रहे हैं लड़का देखने? कौन सा लड़का? अब इतना नादान बनने की जरूरत नहीं है। वही लड़का जिनका प्रपोजल आया तुम्हारे लिए। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, मना कर दिया मैंने अम्मा बी को। हिना क्या वाकई शादी नहीं करना चाहती तुम? निदा प्लीज तंग मत करो, कम से कम अभी नहीं करूंगी। यू नो व्हाट, मैंने शहाब को भी बताया कि तुम्हारा प्रपोजल आया, वो तो हैरान ही हो गया। क्यों, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? क्या मेरे लिए रिश्ते नहीं आ सकते? पता है तुम्हें उसने क्या बोला? क्या कहने लगा? ऐसे कैसे हिना की शादी किसी के साथ भी हो सकती है? मेरा ख्याल है कि तुम्हें हर बात शाहब से डिस्कस नहीं करनी चाहिए। क्यों, शाहब कोई गैर थोड़ी है, अब तो वो भी इस घर का फर्द है। फिर भी जरूरी है क्या कि तुम उसे घर की हर बात बताओ? हर बात या तुम्हारी शादी वाली बात? क्या निदा, शादी शादी शादी, बस बहुत हो गया। कह दिया ना कि मुझे नहीं करनी शादी तो नहीं करनी, और इनकार की वजह बताना मेरे लिए जरूरी नहीं है। और वैसे भी हर किसी को तुम्हारी तरह शादी करने का इतना शौक नहीं होता। जी, आपने मुझसे कुछ कहा?
जी मेरा नाम फवाद है। ओके तो मिस्टर फवाद मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? एक्चुअली आप मुझे नहीं जानती लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मिस्टर फवाद लिसन, ये तरीके ना लड़कियों से बात करने के बहुत पुराने हो चुके हैं, सो प्लीज आप जाइए कोई नया तरीका तलाश करके आइए। ओके देखिए आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं एक शरीफ लड़का हूँ। मैं आपको बिल्कुल सही समझ रही हूँ शरीफ लड़के साहब। अब आप यहाँ से खुद जाएंगे या मैं अपने फ्रेंड्स को इकट्ठा करूँ? नहीं नहीं इट्स ओके, उनको बुलाने की आप ज़हमत ना करें, मैं चलता हूँ। चलते पता नहीं कहाँ कहाँ से। जी आपा मिल लिया। कैसी लगी ना? आपा जैसा आपने बताया था ना उससे बहुत ज्यादा अच्छी। देखा मैंने कहा था ना तुम्हें जरूर पसंद आएगी। अच्छा और क्या क्या बातें हुई? बातें आपा बातें करने का मौका कहाँ आपने दिया भाई, वो तो मुझे कोई आवारा लड़का समझ कर ना अपने दोस्तों को बुलाने वाली थी, मैं तो अपनी जान बचा कर भागा तो तुम उसको बता देते ना कि मैं क्यों आया हूँ और किसके लिए आया हूँ। आपा ये काम आप खुद ही कर लीजिएगा। हाँ वो तो मैं कर ही रही हूँ, अब चले चले या हिना का यहाँ वेट करना है? नहीं नहीं चलते। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं शमसा बात कर रही हूँ, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। आंटी वो मैंने सोचा कि आपको फोन करके हाल अहवाल पूछ लूँ, आप लोगों ने क्या फैसला किया? आप भी सोच रही होंगी कि बार बार फोन करके मैं आपको तंग कर रही हूँ, असल में मैं ये चाह रही थी कि जितना जल्दी हो जाए हम बातें कर लें तो अच्छा होगा। बेटा जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं, किसका नसीब किसके साथ जुड़ा है ये तो सिर्फ उसकी जात को ही मालूम है, और वैसे मैं आपको फोन करने ही वाली थी। अच्छा अरे भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, चले मैंने फोन कर लिया। बेटा दरअसल कहते हुए थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बात यह है कि हम लोग हिना के रिश्ते के लिए अभी तैयार नहीं है, और हो सकता है कि तुम्हारे भाई का नसीब कहीं और जुड़ा हो। समझ रही है ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जी जी मैं समझ रही हूँ, अगर आप लोगों ने कोई फैसला नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप आराम से सोच लें, और हमें भी कोई जल्दी नहीं है, आप हमें जितना बोलेंगे हम हिना के लिए उतना इंतजार कर लेंगे। लेकिन बेटा जी जी आंटी मैं आपकी बात समझ चुकी हूँ, बस मैं ये कहना चाह रही थी कि आप मुझसे कभी भी रابطہ कर सकती हैं, उम्मीद तो मैं भी नहीं छोड़ूंगी। ठीक है बेटा अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह हाफिज। किसका फोन था? शमसा का फोन था बेटा। क्या कह रही थी? वही बेटा अपने भाई और हिना के रिश्ते के लिए हम लोगों की रजामंदी जानना चाह रही थी। हाँ वैसे हिना से तो मेरी मुलाकात हो गई थी। अच्छा कब कहाँ पे? वो उस दिन कॉफी शॉप में शहाब के साथ कॉफी पी रही थी। ऐसी कोई बात नहीं है तो तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई, क्यों नहीं बताई मुझे ये बात? नहीं छुपाने वाली कोई बात नहीं थी, मैं बस तुम्हें बताने ही वाली थी, एक्चुअली मेरे जहन से निकल गया। जी आपा हो गई बात? हाँ बात हो गई है। क्या कहा उन्होंने? हाँ आंटी मुझे पहले भी बता रही थी कि उन्होंने हिना की शादी के बारे में भी कुछ सोचा नहीं है। क्या मतलब सोचा नहीं है? अरे ऐसे मुंह क्यों लटका लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। नहीं मैंने मुंह तो नहीं लटकाया। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और तुम्हें अच्छी तरीके से जानती हूँ,
मुझे पता है तुम हिना को पसंद करते हो और मेरा प्रॉमिस है, तुम देखना मैं तुम्हारी शादी उससे जरूर करवाऊंगी। अपना मूड सही करो, छोटी छोटी बातों पर टेंशन थोड़ी लेते हैं। किसका फोन था? शमसा का फोन था बेटा। क्या कह रही थी? वही बेटा, अपने भाई और हिना के रिश्ते के लिए हम लोगों की रजामंदी जानना चाह रही थी। तो क्या कहा आपने? मैंने हिना से बात की थी, वो भी जहनी तौर पर अभी तैयार नहीं है। वैसे मैंने दबे अल्फाजों में शमसा को मना कर दिया है, लेकिन बेटा वो बहुत बजिद है कि हिना के लिए जितना कहें हम वो लोग इंतजार कर सकते हैं। जबकि मेरा ख्याल है बेटा, कभी कभी इंसान जल्दबाजी में इस तरह के फैसले तो कर लेता है पर बाद में उसे पछताना पड़ता है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये फैसला हिना पर छोड़ दिया था। आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि मैं अपना कोई भी फैसला अपनी बेटियों के ऊपर मुसल्लत करने के हक में नहीं होता। हाँ बेटा, तुम भी अपनी जगह ठीक हो, पर होता वो ही है जो अल्लाह को मंजूर होता है। मिस्टर फवाद, लिसन, ये तरीके ना लड़कियों से बात करने के बहुत पुराने हो चुके हैं, सो प्लीज आप जाइए कोई नया तरीका तलाश करके आइए। ओके बिजी तो नहीं आप? नहीं कुछ खास नहीं, बस बुक पढ़ रहा हूँ। तुम बताओ कोई काम है? हाँ, मैं सोच रही थी कि शाबिर भाई के घर चल के उनसे मिल के आते। क्यों? क्यों क्या मतलब, एक नया रिश्ता जुड़ा है उनके साथ। आपके तो वो दोस्त हैं, लेकिन अब रिश्तेदारी में तब्दील हो चुकी है दोस्ती। लोग क्या सोचेंगे कि मंगनी के बाद हम लोग उनके घर ही नहीं गए? तुम फिक्र ना करो, ऐसा कोई नहीं सोचता। वो बंदा वैसे भी इतना मसरूफ है, उसे इस किस्म की बातों की फुर्सत नहीं होती। आप तो चाहते हैं ना कि हर जगह मैं ही बुरी बनूं। अरे भाई, तुम क्यों बुरी बनोगी? क्यों नहीं बुरी बनूंगी, लोग तो यही कहेंगे ना कि सौतेली माँ है इसलिए बहू को पूछने ही नहीं आई। आपको क्या पता इन बातों का, लोग सो सो तरह की बातें बनाते हैं। अच्छा भाई, चलते हैं शवेस की तरफ। तो फिर ठीक है, कल हम चलते हैं उनके घर। नहीं, कल तो एक जरूरी काम है। लेकिन कल तो संडे है, आपको कौन सा जरूरी काम पड़ गया? एक्चुअली वो मैंने एक सेमिनार शेड्यूल किया हुआ है, उस पे जाना जरूरी है। तो फिर ठीक है, मैं अकेली चली जाती हूँ उनके घर। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसमें मुझसे पूछने वाली कौन सी बात है। अच्छा तो ठीक है, मैं कल उनके घर जाऊंगी और निदा से भी मिल के आऊंगी। एज यू विश। थैंक यू। तो आज आप हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गईं? कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब आप। मैं तो हमेशा हसन दुरानी से यही कहती हूँ कि अब तो हमारा घर से रिश्ता जुड़ गया है, आना जगाना तो लगा ही रहेगा। आप तो जानते हैं कि हसन दुरानी खुद कितने बिजी रहते हैं, बस हर वक्त काम काम काम, मगर मेरा दिल तो चाहता है ना अपनी बहू से मिलने के लिए। अरे भाभी, आपका अपना घर है, आपका जब जी चाहे आए। हसन दुरानी भी यही कहते हैं कि जब तुम्हारा दिल चाहे चली जाया करो। आज भी वो बिजी थे इसीलिए मैं अकेली आ गई। बहुत अच्छा किया आपने। वैसे आज तो इतवार का दिन है, मैंने तो सोचा था कि सब लोग घर पे होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो बच्चियां, तुम लोग बैठ के इनको कंपनी दो, मैं भी एक फोन करके आया। कैसी हो निदा तुम? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं तो कब से सोच रही थी तुमसे मिलने के लिए, लेकिन तुम्हें तो मालूम है तुम्हारे अंकल कितने बिजी रहते, लेकिन आज मैं अकेली आ गई। थैंक यू आंटी। है ना बेटा, तुम कैसी हो? जी आंटी, मैं भी ठीक हूँ।
हाँ वैसे हिना से तो मेरी मुलाकात हो गई थी। अच्छा कब कहाँ पे? वो उस दिन कॉफी शॉप में शाहब के साथ कॉफी पी रही थी। क्यों हिना मैं ठीक कह रही हूँ ना? बस सरसरी से मुलाकात हुई। एक्चुअली मेरे पास वक्त ही नहीं था वरना मैं तो इन लोगों को कंपनी जरूर देती। मगर तुम शाहब के साथ? रास्ते में कहीं दोनों की मुलाकात हो गई होगी, सोचा हो कि कहीं बैठ के कॉफी पी जाए, ऐसा ही हुआ था ना हिना? जी वो रास्ते में अचानक मुलाकात हो गई थी, उन्होंने इसरार किया तो हम कॉफी पीने चले गए। लेकिन तुमने मुझे तो बताना भी गवारा नहीं समझा। अरे निदा इसमें बताने वाली क्या बात थी, बस इसीलिए नहीं बताया। निदा ठीक ही तो कह रही है ना, अब ये कोई बताने वाली बात थोड़ी थी कि वो तुम्हारे मंगेतर के साथ कॉफी शॉप में कॉफी पी रही थी। इतनी छोटी छोटी सी बातें बताने के काबिल नहीं होती। अच्छा और सुनाओ तबीयत ठीक है तुम्हारी? हिना मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ कहो क्या बात? तुम्हारी शहाब से कहाँ मुलाकात हुई थी और कब मुलाकात हुई थी जो तुम दोनों कॉफी पीने चले गए? बताया तो था कि बस ऐसी रास्ते में मुलाकात हो गई थी। बस ऐसे ही मुलाकात हो गई थी? ये हर बार हमेशा तुम्हारी ही उससे ऐसी मुलाकात कैसे हो जाती है ना? मेरी तो आज तक उससे ऐसी मुलाकात नहीं हुई। इससे पहले भी वो तुम्हें डैडी की बर्थडे पे किसी मॉल में मिल गया था। निदा वो तुमने मुझे तब भी नहीं बताया था, अब भी नहीं बताया, जबकि अब वो मेरा सिर्फ दोस्त नहीं मंगेतर बन चुका है। निदा तुम बिना वजह परेशान हो रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है तो तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? क्यों नहीं बताई मुझे ये बात? नहीं छुपाने वाली कोई बात नहीं थी, मैं बस तुम्हें बताने ही वाली थी, एक्चुअली मेरे जहन से निकल गया। क्यों? जब हर बात तुम मुझसे शेयर करती हो, मुझे बताती हो, तो फिर ये बात बताना क्यों भूल गई? और फिर हर बार शहाब से मुलाकात ही बताना क्यों भूल जाती हो ना? और फिर वो भी भूल जाता है? ट्रस्ट मी निता, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम चाहो तो शहाब से भी पूछ सकती हो। मुझे किसी से कुछ पूछने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम एक बात कान खोल कर सुन लो है ना, शहाब सिर्फ मेरा है और तुम अपनी मासूमियत के फरेब से उसे मुझसे छीन नहीं सकती, समझी तुम? निदा निदा करीम बाबा इधर आइए। जी बेगम साहब। साहब घर पर हैं? जी साहब तो घर पे नहीं है। और शाह? छोटे साहब जी बड़े साहब जी के साथ गए हैं, आमिर साहब घर पर ही। आमिर गया नहीं घर पर ही? जी बेगम साहब वो तो सुबह से ही घर पर है, जब से इस्लामाबाद से आए हैं बहुत कम कमरे से बाहर निकलते हैं। अच्छा ठीक है तुम जाओ अपना काम करो। अच्छा रुको, आमिर भी इस घर के छोटे साहब की तरह है, इसलिए आइंदा से उनका खास ख्याल रखना, समझे तुम? क्या हो गया बेटा, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? न घर से कहीं बाहर जाते हो, नहीं खाने पीने का होश है तुम्हें। क्या करूं मामा, दिल नहीं चाहता कुछ करने को। मगर बेटा मैं रिवायती बाप की तरह अपने फैसले तुम दोनों पर